वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने जो है एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक जो होता है हाईली कन्फ्यूजन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जैसे क्या कि सर हमको ये बतलाइए कि मेल्टिंग क्या होता है, सर ये बतलाइए कि फ्रीजिंग क्या होता है, सर ये बतलाइए वेपोराइजेशन क्या होता है, सर ये बतलाइए आयोनाइजेशन क्या होता है, सर ये बताइए डी आयोनाइजेशन क्या होता है। कब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा तो उसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे या उसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। सॉलिड से सर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सर गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे। इस तरह का टॉपिक है, और ये वीडियो खास करके जो हम बना रहे हैं ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से स्टूडेंट के लिए है। लेकिन अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी भी स्टूडेंट को आता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हो चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर। देखिए सबसे पहली बात आपको समझना है कि स्टेट कितने होते हैं। वैसे देखिए नॉर्मली 5 स्टेट होता है, लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 4 स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सॉलिड है, क्या है, कोई सॉलिड है, और अगर आपका कोई चीज़ सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप मेरी बात को समझिएगा। सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। अब देखिए, अब इसको आप फील कीजिए कैसे। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक सॉलिड है, जैसे मान लीजिए बर्फ का कोई एक टुकड़ा है, तो बर्फ का टुकड़ा क्या, वो एक सॉलिड फॉर्म है। अगर आप बर्फ के टुकड़ा को फ्रीज से निकाल करके बाहर में रख दीजिए तो वो धीरे 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 क्या करने लगता है, पिघलने लगता है, और वो पिघल करके फाइनली क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, लिक्विड के रूप में रहता है। इसका मतलब जो बर्फ का टुकड़ा सर फ्रीज में सॉलिड का, वो बाहर में कुछ घंटा रखने के बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो भैया आप लोग नहीं बोलते, अरे यार क्यों तुम जो है बर्फ को जो है बाहर निकाल दिए, देखो वो मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब वहां पर मेल्टिंग प्रोसेस होता है। जब कोई भी सॉलिड चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। और भैया याद रखना, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस। अगर कोई चीज मान लेते हैं कि लिक्विड में है, क्या है, लिक्विड में है, और अगर वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अब इसको आप फील कीजिए, जरा सोचो आपके पास में कोई पानी होता है और आपको उस पानी को बर्फ बनाना होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, और नहीं बोलते अरे यार जाओ इसको फ्रिज में रख दो, इसको फ्रीजिंग कर दो। मतलब फ्रिज में रखने से क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। तो भैया याद रखना, जब कोई भी लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। आपको क्या ये दो टर्म आपको याद हो गया। अब आपको जिंदगी में कभी भी ये दिक्कत नहीं होगा नंबर वन कॉन्सेप्ट में, कि जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। और भैया याद रखना, जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। अब चलते हैं सर हम दूसरे कॉन्सेप्ट के टाइप पर। अब याद रखना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास में कोई लिक्विड है, क्या है, कोई लिक्विड है, और अगर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड आपको कन्वर्ट हो रहा है सर किस में, याद रखना ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है आपको गैस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो भैया याद रखना, जब कोई भी लिक्विड आपका कन्वर्ट होता है गैस में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। बोलता है यार देखो देखो ये जो है ना, मतलब लिक्विड, जैसे क्या मान लीजिए आपके पास में कोई पेट्रोल है, वो पेट्रोल को, पेट्रोल किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, आप उस पेट्रोल को क्या कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए बाहर में छोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज होकर क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया याद रखना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो इसका मतलब यहां से आपको तीसरा पॉइंट याद हो गया, कि जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को, मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने की फेनोमेना या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको वाष्पीकरण विधि बोलते हैं। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे नहीं। अब मेरी बात को यहां पर समझना, अगर यही सेम इसका अपोजिट कर देंगे, कोई चीज मान लीजिए गैस है और वो गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन प्रोसेस। और इसी में, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संघनन विधि। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संघनन विधि। तो देखिए चार पॉइंट आपको याद हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड बनेगा क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। अब जरा याद रखना भैया, अब सॉलिड से भी तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो भैया तीसरा पॉइंट हम आपको बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं उसको समझिएगा। जब आपके पास में मान लेते हैं कि कोई भी सॉलिड है और अगर ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, भैया याद रखना, अगर ये सॉलिड कन्वर्ट होगा आपका डायरेक्ट किस में, गैस में कन्वर्ट होगा। तो भैया याद रखना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन मेथड कहलाता है।
क्या कहलाता है, ये कहलाता है सबलिमेशन। जैसे सर आप कपूर का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग जब आरती उरती करते हैं तो आरती करने वक्त में क्या करते हैं, कपूर करते हैं। वो कपूर किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, और जैसे ही आप कपूर को जलाते हैं वो कपूर किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और वहां पर वो कौन सा विधि के द्वारा वो कपूर जो है गैस में कन्वर्ट होता है, तो यही सबलिमेशन विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या बोलते हैं इसी को, बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसी को, बोलते हैं अगर हम हिंदी में बात करें इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। फिर यहीं पर सर इसका जस्ट अपोजिट आता है कि सर अगर मान लेते हैं कि कोई गैस जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भैया डेपोजिशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेपोजिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निक्षेपण विधि, याद रखना। या इसी को आप बोल सकते हैं डी सबलिमेशन मेथड। क्या बोल सकते हैं, डी सबलिमेशन मेथड। तो आप नॉर्मली याद रखें इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। तो भैया याद रखना कि कोई भी गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं निक्षेपण विधि। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निक्षेपण। तो यहां से छह पॉइंट आपके हो गया, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सबलिमेशन, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ये डिपोजिशन कहलाता है। चलिए अब हम आपको आगे की पॉइंट पढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं चौथा नंबर पर सर हम यहाँ पर आपको किसकी बात करते हैं, अब हम गैस की बात करते हैं। अब देखिए एक स्टेट और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। तो अब यहां से एक सवाल आता है कि सर बताइए गैस का प्लाज्मा में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आयोनाइजेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयोनाइजेशन। क्या कहलाता है, ये आयोनाइजेशन कहलाता है। फिर यहां पर सर जस्ट इसका अपोजिट होता है, सर मान लीजिए प्लाज्मा से भी तो कोई चीज क्या हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है ना, तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा से गैस में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, तो ये डी आयोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डी आयोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है गुड़िया, ये डी आयोनाइजेशन कहलाता है। यहां से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको आठ मेथड जो होगा वो अच्छे तरीके से याद आ गया होगा। देखिए फिर से बता रहे हैं, समझिए मेरी बात को, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है भैया, लिक्विड से मेल्टिंग में फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सबलिमेशन, और भैया गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस से क्या बोलेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, यह कहलाता है डी सबलिमेशन। वही गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होना आयोनाइजेशन, और प्लाज्मा से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, यह डी आयोनाइजेशन कहलाता है। आसान है, पूर्ण विश्वास करते हैं मेरे दोस्त आपको ये छोटा सा वीडियो काफी हेल्पफुल मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कृष्णा सर ऑफिशियल। जैसे ही आप कृष्णा सर ऑफिशियल ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म के नाम से आपको मेरा चैनल खुल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मेरा ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।